अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर SST पीरियड। टुडे वी विल कंटिन्यू सेम लेसन, लेसन नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इन प्रीवियस क्लास वी डिड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम 1 to 4 ऑफ दिस लेसन। टुडे इन दिस क्लास वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन वट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। यानी कि जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे इंडियन रूलर्स से डिफरेंट था। सो आंसर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन रूलर्स इन द फॉलोइंग वेज। बहुत सारे वेज थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का वो इंडियन रूलर से कैसे डिफरेंट था। फर्स्ट वन इज द कंपनी डिवाइडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनटू प्रेसिडेंसीज। इंडियन रूलर डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो कंपनी थी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया था। 3 प्रेसिडेंसीज थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। जबकि इंडियन जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट में क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था। नाउ सेकेंड डिफरेंसेज, ईच प्रेसिडेंसीज वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। यानी कि जो प्रेसिडेंसीज थी उसको हर एक प्रेसिडेंसी को कौन गवर्न करता था, कौन रूल करता था, एक गवर्नर के थ्रू क्या किया जाता था, उसको प्रेसिडेंसी को रूल किया जाता था। जबकि डिस्ट्रिक्ट वर रूल बाय द कलेक्टर्स। जो इंडियन जो रूलर्स थे उन्होंने जो अपनी टेरिटरीज़ को डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट को रूल किया जाता था कलेक्टर्स के थ्रू। नाउ थर्ड डिफरेंस इज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज द गवर्नर जनरल। और जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके सुप्रीम हेड होते थे गवर्नर जनरल। जबकि इन इंडियन रूलर द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द किंग। जबकि जो इंडियन रूलर्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था, सुप्रीम हेड होता था, वो कौन होते थे, वो एक किंग होता था। नाउ फोर डिफरेंसेस, द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उनका मेन जो जॉब था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराना। जबकि वाइल द मेन जॉब ऑफ द कलेक्टर वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ इन हिज डिस्ट्रिक्ट। जबकि जो कलेक्टर्स थे उनका मेन जॉब था अपने डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू टैक्सेस को कलेक्ट करना और अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हिच किंगडम डिड द कंपनी अनेक्स बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था और इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके कौन कौन से किंगडम्स को अनेक्स किया गया। नाउ आंसर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज द कंपनीज टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ये कंपनी की एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी थी। यानी कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की एक पॉलिसी थी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी और इसको इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडियन रूलर की डेथ होती है किसके बिना, मेल एयर यानी कि किसी भी मेल उत्तराधिकारी के बिना अगर उसकी डेथ होती है तो उसका जो किंगडम है वो किसका पार्ट बन जाएगा, कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। यानी कि कंपनी क्या कर लेगी, उसके किंगडम को अपने अंडर टेक ओवर कर लेगी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध वर अनेक्स बाय दिस डॉक्ट्रिन। आपसे सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा था इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कि कौन कौन से ऐसे किंगडम थे जिनको अनेक्स किया गया इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके। तो वो थे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध। इन सारे किंगडम को इस पॉलिसीज को अप्लाई करके क्या है, इन सारे किंगडम्स को क्या किया गया था, अनेक्स किया गया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Why was the Battle of Plassey famous? यानी कि जो Battle of Plassey है वो क्यों famous था? Answer is the Battle of Plassey was famous because it was considered a major victory of British. ये जो Battle of Plassey था वो famous था क्योंकि इसको क्या है, एक major victory माना जाता था किसके, Britishers की। जो British थे उनकी एक major victory consider किया जाता था Battle of Plassey को। The battle was fought in between troops of the British
ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद्दौला द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि ये जो बैटल है ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, ट्रूप्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स यानी कि सैनिक थे, जिसको कौन लेड कर रहा था, किसकी लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रूप्स थी, और सिराजुद्दौला जो कि क्या थे, लास्ट नवाब थे बंगाल के, इनके बीच में क्या है ये बैटल हुई थी। दिस विक्ट्री वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो विक्ट्री थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि ये उनकी क्या थी, इंडिया की टेरिटरी पे फर्स्ट विक्ट्री थी। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी। डू दिस वर्क इन योर फेयर हिस्ट्री नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।